गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर इंग्लिश क्लास और आज हम इंग्लिश का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है द ग्रैंडपास कैरट, यानी ग्रैंडपा मतलब दादाजी, ग्रैंडपा की गाजर। तो ये जो एक स्टोरी है इसमें देखो क्या बताया गया है अबाउट द लेसन। दिस इज द स्टोरी अबाउट द इनॉर्मस कैरट दैट ग्रू इन ग्रैंडपास गार्डन। तो ये ग्रैंडपा के गार्डन में एक बहुत बड़ी गाजर उगी हुई थी, बहुत बड़ी गाजर मतलब विशाल गाजर उगी हुई थी। ग्रैंडपा हेल्ड द कैरट, ग्रैंडमा हेल्ड ग्रैंडपा, कैट हेल्ड ग्रैंडमा एंड द रैट हेल्ड द कैट। देन ओनली केम आउट द इनॉर्मस कैरेट। लाइक वो कैरेट इतनी बड़ी थी कि अकेले ग्रैंडपा से वो नहीं निकल रही थी, तो ग्रैंडपा को ग्रैंडमा ने पकड़ा, ग्रैंडमा को कैट ने पकड़ा और कैट को रैट ने पकड़ा। रैट मतलब चूहा, कैट मतलब बिल्ली। तो इस तरह इन चारों ने मिलकर उस विशाल कैरेट को बाहर निकाला। इनॉर्मस मतलब विशाल, इतनी बड़ी थी वो गाजर कि अकेले ग्रैंडपा से नहीं निकली, तब चार मेंबर उसको बाहर निकालने के लिए लगे और वो उस कैरेट को उन्होंने बाहर निकाला। अ जेंट कैरेट ग्रू इन ग्रैंडपास गार्डन। एक बहुत बड़ी गाजर, विशाल का गाजर ग्रैंडपा के गार्डन में उगी हुई थी। हाउ कैन आई पुल दिस कैरेट आउट, आस्क्ड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने कहा कि अब इतनी बड़ी कैरेट को बाहर कैसे निकाला जाएगा। वो सोच रहे थे, एकदम से उनके मुंह से ये क्वेश्चन निकला, हाउ कैन आई पुल दिस कैरेट आउट, यानी हम इस कैरेट को कैसे बाहर निकालें। देखो इस पिक्चर में दिया हुआ है अकेले ग्रैंडपा है और वो कैरेट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ग्रैंडपा से नहीं निकली तो पीछे ग्रैंडमा आ गई कि हेल्प करने के लिए कि चलो मैं निकाल देती हूँ, तब भी नहीं निकली। आई वुड हेल्प सेड ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने कहा कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ग्रैंडमा हेल्ड ग्रैंडपा, तो ग्रैंडमा ने ग्रैंडपा को पकड़ लिया। ग्रैंडपा हेल्ड द कैरेट, और ग्रैंडपा ने तो कैरेट को पकड़ा हुआ ही था। दे केप्ट ऑन टकिंग बट द कैरेट डिड नॉट मूव, यानी दे केप्ट ऑन टगिंग, यानी उन्होंने अपनी बहुत कोशिश करी उसको बाहर निकालने के लिए लेकिन वह तो हिली भी नहीं। कैरेट डिड नॉट मूव, वो बिल्कुल हिली भी नहीं। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा बिकेम वरिड, तो जो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा थे अब वो चिंता में डूब गए, चिंता होने लगी उनको कि अब इस कैरेट को कैसे बाहर निकालेंगे। दे सैट डाउन एंड थॉट डीपली व्हाट टू डू, और ये ऐसे चिंता में वे आराम चिंता कर रहे थे और वो आराम से वहाँ बैठ गए और एकदम गहराई से सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, किस तरह से इस कैरेट को बाहर निकाला जाए। इस चिंता में वो दोनों बैठे बैठे सोच रहे थे। नाउ ऑल ऑफ ए सडन अ कैट कम देयर, और तभी एक अचानक से वहाँ बिल्ली आ गई उस खेत में। मी नेक्स्ट म्याउट द कैट, अब मैं अगली आपको पकड़ लेती हूँ, यानी इसके बाद ग्रैंडपा ग्रैंडमा और मी नेक्स्ट आप ग्रैंडमा को मैं पकड़ लेती हूँ, ऐसा उसने म्याउट द कैट, कैट जैसे अपनी म्याऊ म्याऊ करती है उस आवाज़ में उसने ऐसा बोला। द कैट हेल्ड ग्रैंडमा, तो कैट ने ग्रैंडमा को पकड़ लिया। ग्रैंडमा हेल्ड ग्रैंडपा, और ग्रैंडमा ने ग्रैंडपा को पकड़ लिया। ग्रैंडपा हेल्ड द कैरेट, और ग्रैंडपा ने कैरेट को पकड़ लिया। दे स्टार्टेड
टगिंग स्ट्रांगली बट द कैरेट डिडंट मूव। अब वो तीन मेंबर हो गए थे, उन तीनों ने पूरी ताकत लगाई एकदम स्ट्रांगली उसको बाहर निकालने के लिए, उसको खींचने की, टगिंग यानी उसको खींचना एकदम तेजी से अपनी ताकत से उसको बाहर निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो तो मूव डोंट मूव डिडंट मूव यानी वो तो हिली भी नहीं। आई वुड ट्राई स्क्वेट द रैट। तभी वहाँ पर एक चूहा आ गया, चूहे ने कहा कि मैं भी ट्राई करूँ। रैट हेल्ड द कैट, तो रैट ने कैट को पकड़ लिया। देखो ये इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये ग्रैंडपा ने कैरेट को पकड़ा है और ग्रैंडपा को ग्रैंडमा को कैट ने, और कैट को रैट ने पकड़ लिया। रैट हेल्ड द कैट हेल्ड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा हेल्ड ग्रैंडपा, ग्रैंडपा हेल्ड द कैरेट। तो चूहे ने बिल्ली को पकड़ा, बिल्ली ने ग्रैंडमा को पकड़ा, और ग्रैंडमा ने ग्रैंडपा को पकड़ा, और ग्रैंडपा ने कैरेट को पकड़ के रखा। दे टग्ड दियर हार्डेस्ट, यानी वो चारों जने इतनी मेहनत से उसको खींचने के लिए लगे हुए थे, उन चारों ने अपनी जितनी ताकत थी वो ताकत के हिसाब से उसको बाहर निकालने के लिए, पुल आउट करने के लिए कोशिश करी। एंड पॉप आउट केम द जेंट कैरेट, और फिर एकदम से वो कैरेट बाहर आ गई, जो विशाल कैरेट थी, बड़ी सी जो गाजर थी वो बाहर आ गई। तो इस तरह उन चारों ने अपनी ताकत लगाई और कैरेट को बाहर निकाला। अब आपके क्वेश्चन है, विच वेजिटेबल्स ग्रू इन ग्रैंडपास गार्डन, तो इसका आंसर होगा कैरेट। हु हेल्ड ग्रैंडपा, तो ग्रैंडपा को किसने पकड़ा था, ग्रैंडमा। हु हेल्ड द रैट, तो रैट को किसने पकड़ा, रैट को तो किसी ने नहीं पकड़ा हुआ था, तो या नन यानी किसी ने नहीं। हु हेल्ड द कैरेट, कैरेट को किसने पकड़ा, द ग्रैंडपा हेल्ड द कैरेट। विच एडजेक्टिव इज यूज्ड फॉर द कैरेट, यानी यहाँ पे कौन सा उसके लिए विशेषता है ये कैरेट की, यानी कहते ना मोटा हाथी पतला लड़का, ये तो बहुत पतला है, ये बहुत बड़ा है, तो इसलिए कैरेट के लिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, जेंट यानी विशाल, बहुत बड़ी कैरेट। टिक द करेक्ट, हुम डिड द रैट होल्ड, रैट ने किसको पकड़ा हुआ था, कैट। वॉट ग्रू इन द ग्रैंडपास गार्डन, ग्रैंडपा के गार्डन में क्या उगी हुई थी, कैरेट। अब ये जो है मैच द फॉलोइंग, ये इधर तो एनिमल्स के नेम है और ये इनका साउंड्स नेम है कि कौन सा एनिमल किस तरह का साउंड निकालता है। तो जो चिकन वो है क्लक्स, यानी मुर्गी के जो बच्चे होते हैं वो उनकी आवाज़ क्लक्स आती है। हॉर्स नीज, डॉग बार्क, कैट म्याउज, माउस स्क्वीज, ये इन सब की आवाज़ें हैं, साउंड्स है, इनको हमने इससे मैच किया है। ये आपके क्वेश्चन आंसर है, इनको भी आपको नोटबुक में करना है। ये है आर्टिकल फिल करना है, ए ई आई ओ यू, ये जो वोवेल, सॉरी आर्टिकल नहीं, वोवेल्स फिल करने हैं इसमें आपको, ए ई आई ओ यू, तो डी फिर डैश दिया हुआ है जी, तो यहाँ हमने ओ फिल कर रहा है। बॉल, कप, जिप, हैन, टॉप, नेट, जग, इन सब में हमने वोवेल्स फिल करे हैं। वोवेल्स फाइव होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये इनमें सब में हमने जो जो वोवेल्स जहाँ जहाँ यूज़ किए हैं वो सारे, इससे वर्ड ये स्पेलिंग्स कंप्लीट हो गई है। फिर आपको ये करना है, राइट द नेम ऑफ फाइव वेजिटेबल्स दैट यू प्रिफर ईटिंग, यानी पांच वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जिनको आप खाना पसंद करते हैं। पटेटो, आलू, कैबेज, पत्ता गोभी, ये भी सबको अच्छी लगती है, आलू तो सबकी फेवरेट होते ही हैं,
लेडी फिंगर, भिंडी, कैरेट, गाजर और कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। तो ये 5 वेजिटेबल्स अधिकतर सबको पसंद होती है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है, कुछ और वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, तो उनके नाम अपन आप यहाँ लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ पर आप। तो इस तरह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आप अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।